सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू अपडेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है मोदीपुरम नॉर्थ आरआरटीएस का स्टेशन। दोस्तों अभी कुछ पिलर के पियर कैप बन चुके हैं, कुछ पे अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें दोस्तों। और कुछ पिलर ये बचे हुए हैं अभी पियर कैप के लिए, और उसके बाद में पियर कैप लग जाने के बाद में फिर इस तरीके से ये बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर में कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर ये मोदीपुरम नॉर्थ के आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों लॉन्चर लगा हुआ है। किस तरीके से ये बायोडक्ट को कनेक्ट करता है आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बीम को डाला जा रहा है पिलर के बीच में, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या स्टेशन बनाया जाएगा। पहले कॉन्कोर्स लेवल बनेगा, फिर प्लेटफॉर्म लेवल बनेगा। तो इधर रहने वाला है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों, लेफ्ट हैंड पे रोड के, और उस साइड में है देखो यहाँ पर ये गड्ढा किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये पियर कैप को लगाया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म लेवल पे काम चल रहा है। एक लॉन्चर पीछे लगा हुआ था, दूसरा लॉन्चर देखो ये लगाया गया है जिसने एक पिलर कनेक्ट भी कर दिया दोस्तों। एक लॉन्चर ये है, दो लॉन्चर हो गए, तीसरा लॉन्चर देखो यहाँ पर लगा हुआ है। देखो किस तरीके से बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारे स्टेशन देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों, तो बने रहो। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो स्टेशन दोस्तों आरआरटीएस के मतलब चालू हो चुके हैं और जो अभी बंद पड़े हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो सारे स्टेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हो नज़ारा काफ़ी कमाल का है। देखो यहाँ पर ये ट्रकों में आते हैं दोस्तों, देख सकते हो ये क्या सेगमेंट को देखो, ये लेके आते हैं ट्रक और फिर ये लॉन्चर उठा लेता है और फिर एक साथ एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जो गैप होता है दोस्तों, ये सारे स्पैन को एक साथ उठाता है ये लॉन्चर और फिर ये चिपकाए जाते हैं। और इसमें आप लोग बता दूँ एक सेफ्टी वायर होती है जो कि तार की तरह होती है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है उसी तरीके का तार होता है। देखो यहाँ से ये बीच में पिलर बनाया गया है, फिर ये यहाँ से राइट में हो जाएगी दोस्तों। ये राइट में हो जाने के बाद में फिर ये राइट में ही रहेगी दोस्तों। ये मेरठ के अंदर से निकलती हुई सीधी ये निकलेगी जाके दोस्तों मोदी नगर में। देखो ये पिलर बनाया गया है, इस पिलर का अभी क्या किया जाएगा, इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, इसमें पियर कैप बनाया जाएगा, तब तक ये लॉन्चर आगे बायोडक्ट को कनेक्ट करता हुआ आ ही रहा है दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है जोरों शोरों से मेरठ के अंदर दोस्तों, जो कि आता है उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों मेरठ शहर। तो दिल्ली से और मेरठ करीबन ये 90 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, जिसमें से 82 किलोमीटर के रूट में पहली बार नमो भारत यानी कि आरआरटीएस की ट्रेन चलाई जाएगी दोस्तों, जो कि पहली बार 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। देखो लॉन्चर किस तरीके से लगे हुए हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं ये लॉन्चर, किस तरीके से बायोडक्ट को जोड़ा जाता है दोस्तों। बायोडक्ट जोड़ देने के बाद में दोस्तों इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगेंगे और खंभे के ऊपर दोस्तों OHE वायर का काम किया जाएगा। फिर इस पर ये साइड में पैराफिट बॉल के ऊपर दोस्तों रेलिंग लगाई जाएगी। रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों इस पर ट्रैक स्लैब पहले बिछाया जाएगा, फिर उसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा। ये ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया भी है कि किस तरीके से बायोडक्ट के ऊपर ये ट्रैक को बिछाया जाता है। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं केपी संत के चैनल पर जाकर तो देख लेना आप सभी, क्योंकि बहुत सारे इस रूट के वीडियो पड़े हुए हैं, किस तरीके से फाउंडेशन बनाया जाता है, किस तरीके से पिलर को खड़ा किया जाता है, किस तरीके से बायोडक्ट को कनेक्ट किया जाता है, किस तरीके से दोस्तों इसमें ट्रैक बिछाया जाता है, वो सब कुछ आप सभी को केपी संत के चैनल पर आप सभी को वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देखो जाकर। और ये आ चुका है मोदीपुरम
आरआरटीएस का स्टेशन जो कि मेरठ के अंदर आता है दोस्तों, ये हाईवे के किनारे पर कौन-कौन लेवल बन चुका है, सेकंड लेवल अब इस पर प्लेटफॉर्म लेवल पर तैयारी चल रही है। तो कहीं कहीं इस पर फ्लोर वर्क रह गया था, कहाँ पर कौन-कौन लेवल पर, अब ये प्लेटफॉर्म लेवल पर काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से काम को किया जा रहा है जोरों शोरों से। दोस्तों देख सकते हैं ये स्टेशन आ चुका है दोस्तों, कौन सा, मेरठ साउथ आरआरटीएस का स्टेशन। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बायोडक्ट को कनेक्ट किया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और देख लो, इसमें आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कनेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेट्रो रुका करेंगे दोस्तों, मेरठ मेट्रो भी रुकेगी और दोस्तों आरआरटीएस की ट्रेन भी रुकेगी दोस्तों। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा ये स्टेशन बनाया गया है दोस्तों, 3 फ्लोर का ये स्टेशन है। और आप सभी को बताऊं दोस्तों, यहीं पर आकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी आकर एंड होता है दोस्तों, तो इसी वजह से यहाँ पर लंबा चौड़ा ये स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। जो हरिद्वार से और मुजफ्फरनगर से आने वाले लोग हैं वो दोस्तों यहीं आके रुकेंगे और फिर बैठेंगे दिल्ली के लिए। तो उनको अब आप लोगों को बताऊं कि पहले लगते थे 2-3 घंटे, अब लगेंगे सिर्फ 45 मिनट मेरठ से दिल्ली आने में दोस्तों। तो किस तरीके से किस खूबसूरती के साथ में स्टेशन को बनाया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही अपडेट्स केपी संत के चैनल पर दोस्तों पर डे देखते रहो, जो कि केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिखाते चल के आप सभी को मोदी नगर नॉर्थ और मोदी नगर साउथ आरआरटीएस का स्टेशन एंड मुरादनगर आरआरटीएस का स्टेशन भी देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ आप सभी को एंड में जाके आपको दोहाई आरआरटीएस का स्टेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखो सारे में ही काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मेरठ साउथ तक और साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक बिल्कुल बायोडक्ट एकदम कंप्लीट है दोस्तों। जो प्लेटफॉर्म थे वो भी बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। मेरठ साउथ का आरआरटीएस के स्टेशन बचा था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब उसका इसी 20 तारीख में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, वहाँ तक ट्रेन चलने लग जाएगी दोस्तों। आरआरटीएस की नमो भारत ट्रेन वो दोस्तों मेरठ साउथ तक अब आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा 20 तारीख से दोस्तों। ये आ चुका है मोदी नगर नॉर्थ आरआरटीएस का स्टेशन। आप लोग देखो थोड़ा सा काम बचा था फिनिशिंग का, किसका, एंट्री और एग्जिट पॉइंट का दोस्तों, वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं देख सकते हो बीच के मीडियन में, यही काम है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से काम किया गया है दोस्तों, नमो भारत ट्रेन को चलाने के लिए, जो कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से दोस्तों दौड़ेगी, आम जनता को दिल्ली से और उत्तर प्रदेश के मेरठ में लेकर जाएगी दोस्तों। और अभी आप लोगों को बता दूं कि इसमें अभी बातचीत भी चल रही है, इसको हरिद्वार तक ले जाने की बात चल रही है अभी इस टाइम पर, तो वो देखो कब जा पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बातचीत तो चल रही है, कागजों में ही है अभी, जब भी चलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जब इसका रूट बनना स्टार्ट हो जाए, अब दूसरा रूट दोस्तों बनना स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, दिल्ली गुरुग्राम अलवर वाला, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहो, केपी संत के चैनल पर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों पर डे। तो आप लोग बस पहले इस रूट को फिनिश होने दो, इस पर पूरे रूट पर चलने दो नमो भारत को, उसके बाद में फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली गुड़गांव अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर जो बनाया जाएगा उसको भी
केपी संत दिखाएगा आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों। तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और मेरा मोदी नगर साउथ का स्टेशन निकल गया पीछे। आगे चलते हैं, दिखाते हैं चल के मुरादनगर और दुहाई RRTS का स्टेशन कि उस पर क्या क्या वर्क किया जा रहा है इस टाइम पर, क्या वर्क चल रहा था जो कंप्लीट हो चुका है वो भी जल्दी बन के तैयारी हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये अपडेट्स कैसे लगे केपी संत के चैनल पर दोस्तों। ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर जो कि लाता रहता हूँ मैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। ये आ चुका है मुरादनगर RRTS का स्टेशन, देखो किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है मुरादनगर के RRTS को स्टेशन दोस्तों। देखो पूरा ही बन के कम्प्लीट हो चुका है, बस इस पर एंट्री एग्जिट पॉइंट का जो काम था उस पर फिनिशिंग वर्क चल रहा था बस, बाकी तो सारा एकदम कम्प्लीट ही है। देख सकते हो उधर का भी एंट्री एग्जिट पॉइंट और इधर का भी एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लो एक बार, देखो पूरा ही बन के कम्प्लीट हो गया। देखो फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, तो अभी एक साइड का खोल रखा, दूसरी साइड का अब खोल दिया जाएगा जल्दी। और ये अब आ चुका है दोस्तों, देखो पल्ली उधर वाली लाइन जा रही है दोस्तों दुहाई डिपो के अंदर, जो कि दुहाई डिपो के मैंने बहुत सारे अपडेट दिए हैं, आप लोगों ने जाके नहीं देखे हैं, न्यू बीवर हैं तो आप लोग जाके देख लेना चैनल पर दोस्तों। दुहाई RRTS का स्टेशन आप लोग और देख लो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडक्ट देखो, सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा बायोडक्ट इसी स्टेशन का है दोस्तों, ठीक है। देख लो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर बायोडक्ट को बनाया गया था जब इसको बनाया जा रहा था। बहुत सारे अपडेट हैं दोस्तों, बहुत सारे, आप लोगों ने चैनल पर जाके देखो, आप लोग नए हो तो आप लोगों को पूरा रूट समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाया गया था और किस तरीके से बनाया जा रहा है, वो भविष्य तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर। तो स्टेशन आ चुका है, आगे देख सकते हैं आप लोग, ये है दुहाई RRTS का स्टेशन जिस पर कि रैपिड रेल सबसे पहले चलाई गई थी दोस्तों साहिबाबाद से लेकर और दुहाई के बीच में। तो यही है दुहाई का स्टेशन, देख लो आप लोग यहीं तक पहली बार चलाई गई थी, दूसरी बार चलाई गई थी दोस्तों दुहाई से लेकर और मोदी नगर नॉर्थ RRTS के स्टेशन तक। अब तीसरी बार चलाई जाएगी दोस्तों साहिबाबाद से लेकर आखिर मेरठ साउथ तक, मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन तक चलेगी दोस्तों यही 19 तारीख में, यानी कि कल परसों में उसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बताओ दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे केपी संत के चैनल पर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो दोनों साइड में भाई साहब किस तरीके से एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाने का काम किया गया है, एक ही ब्लॉक में बना दिया है इन्होंने, बहुत सारे अपडेट हैं यहाँ के दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो।